तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेरे असर भाई टमाटर डालने वाला है, फिर हेरे बिरयानी की प्रिपरेशन करता है, और हेरे एक लेयर चिकन का डाला गया बा, एक लेयर मटन है सॉरी एक लेयर चिकन की ग्रेवी, फिर एक लेयर चावल, फिर एक लेयर मटन के पीस, और फिर एक लेयर चावल, फिर दोबारा दूसरे लेयर में फिर मटन डाला जाता, मटन के बाद नींबू डाला जाता, टमाटर डाला जाता, धनिया पुदीना डाला जाता। यदि असरा भाई हमारे बड़े देखकर यूट्यूब चैनल है रघुवा लोग करके सब्सक्राइब करी, यदि हमारे सुशील भाई बड़े गेहूँ गेहूँ घी के प्रिपरेशन करते रहे, घी बा घी का डाला जाए, गाँव का देसी घी है, जमा नहीं है, बस करो उसको बिगाल के लेके नहीं है, बाहर क्यों लेके गया? सुशील मैं इसमें घी डाल के देता हूँ, तुम जाके गैस पे छोड़ देना है, गैस में बैठाना है, हाँ दम होगा ना, बैठेगा ना, दम होगा, पता नहीं है दम बिरयानी है, मैं सोचा हो गया, अरे मजा ही नहीं आएगा, ठंडा हो गया ना, चकुए तो अच्छा चावल गरम मसाला ये सब तेल में डाल लो, फिर पुलाव बना के डाला ला, वो अलग से डाला ला, वो ना डाल ला मरते, सबर करो, देख सकते हैं कि हमारे घर में घी लिए हैं, दिखाओ कि आज हम लोग का जुम्मे रात है, तो कुवैत में हम लोग का अभी जुम्मे रात के दिन क्या क्या करते हैं, तो हम लोग बिरयानी बनाने का प्लान है, तो दोस्तों कैसे बनता है बिरयानी आओ हम आप सबको दिखाते हैं, सब मसाला रेडी हो चुका है दोस्तों, ये हम लोग का छोटा सा एक कुटिया है, ये कुवैत का कैसी कंपनी दी है, एक कुटिया है हम लोग का, तभी नीचे दिखाई जी, ये देखिए ये खीरा कट चुका है, और ये पुदीना है, और ये नींबू है, अभी देख रहे हैं कुछ प्रिपरेशन हो रहा है बिरयानी, देखिए अभी बिरयानी के लिए रेडी हो रहा है माल, ठीक है अभी इसमें है, ये देखिए ये है रायता, रायता बनेगा, अब इसमें है दही, ठीक है, तो दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाला है बिरयानी, और भी मटन बिरयानी बन रहा है, ठीक है 2 kg मटन आया है, ठीक है इतना जबरदस्त होगा, वीडियो में बने रहे, बहुत इंटरेस्ट होने वाला, ये लाइफ कुवैत का लाइफ और गल्फ का लाइफ कैसा होता है आप लोग को आज हम दिखाएंगे, कैसा होता है लाइफ पूरे फैमिली को छोड़ के, पूरे फैमिली को छोड़ के हम लोग कैसे रहते हैं कुवैत में और चाहे गल्फ में, कैसे आपस में बना बना के आपस में फैमिली बना के हम लोग एक साथ रहते हैं, आज पूरा देखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है वीडियो के साथ बने रहे, मेरे को नहीं यही तो कंटेंट है नंगा तौली बदलता टमाटर लेके दे रहा है हाथ में सुशील भाई, देखो अशरफ को, तो अभी हम जैसे कि बता रहे थे कि हम अभी बिरयानी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम बना रहे हैं मटन की बिरयानी, जो कि बकरे की बिरयानी है, और इधर इंडियन मटन है, इंडियन मटन है जो कि हमने लाया है ग्रैंड हाइपर मार्केट से, सुपर मार्केट से, वो भी विजिट कराएंगे, वो भी आपको अगले वीडियो में विजिट कराएंगे, वहाँ पे कैसे आपको फ्रेश फिश मछली, फ्रेश चिकन, फ्रेश मटन, और जितने सारी चीज़ें हैं वो फ्रेश सब्जी, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से ख़रीदना है अगर आप गल्फ में हैं तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट मत करिएगा, ठीक है अगर न्यू आदमी अगर वीडियो को ये देख रहा है ना, वो जरूर देखे कि गल्फ में कैसा होता है, ठीक है तब आप लोगों को समझ में आएगा, माइंड में आएगा, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, नॉलेज मिलेगा, क्या नॉलेज मिलेगा, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कौन सा काम करने में, किस काम में आप आएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, किस काम में कम पैसा मिलेगा, हम लोग बताएंगे ठीक है, हम लोग का देखिए अगर जो फ्रेश आदमी है ना, जो इंडिया में अभी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उन लोगों तो पाता नहीं होगा, लेकिन हम लोग अभी रिटर्नर हो गए ना, हम लोग का नॉलेज है, एक्सपीरियंस आदमी है, ठीक है, मैं बता सकते हैं इनके पास 8 साल का 11 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 8 साल लगातार इन्होंने सऊदी अरब में काम किया, 8 साल छुट्टी में भी, ठीक है तो हमारे पास एक्सपीरियंस है गल्फ में कैसे रहते हैं, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्या परेशानियों को आगे देखना पड़ता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, सब आपको इस मतलब देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में सपोर्ट करेंगे तो अभी देख रहे हैं कि हमारे रूम में एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, अभी बैकग्राउंड हमारा स्पीकर रखा हुआ है इधर JBL GO2, देख सकते हैं ये हमने इंडिया से खरीद लिया है 2200 रुपये में, ये वाटर प्रूफ स्पीकर है, ये चावल बनकर रेडी हो गया है, अभी मिक्स होगा, अभी ये चावल बनकर रेडी हो गया है, ठीक है ये बन गया है,
अभी आइटम भी इधर रेडी हो चुका है और एक हमारे भैया जी इधर बैठ के देख लीजिए। देखिए अभी भैया मच्छी धो रहे हैं। देखिए ये है गल्फ, देखिए गल्फ का एक्सपीरियंस, देखिए गल्फ में कैसे लोग क्या क्या का है। लेकिन इनको हिंदी पता है, तमिल पता है, तेलुगु पता है, अरबी पता है, इंग्लिश पता है, इनको पांच लैंग्वेज आती है। अभी देखिए मच्छी बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स रखे हैं, बता सकते हैं कि कौन सी मछली है? बता सकते हैं कौन सा? हाँ, ये मकरेल मछली है। मकरेल, मकरेल है ना, मकरेल मछली है। करेक्ट, इसका मकरेल है ना, समुद्री मछली है, खारे पानी की मछली। देखिए हमारा भैया छठी कर रहा है, इधर हमारे भैया जी हैं, इनसे भी विजिट कराते हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो देखिए क्या क्या बना रहा भैया। अभी देखिए मटन को भुजाई कर रहे हैं अच्छे से, मटन बिरयानी बनेगा आज। भैया हमारे मटन बिरयानी बना रहे हैं। देखिए भैया इधर देखिए, आप से ऑडियंस पूछना चाहते हैं क्या क्या डाला है मटन में इधर। हाँ हाँ, क्या क्या डाला है मटन में? रेडी होने के कगार पे है, अभी हम अपने मटन को चेक करेंगे, हमारा मटन पका है कि नहीं। अभी हमने ग्रेवी को टेस्ट किया, ग्रेवी पक चुका है, लेकिन अभी मटन देखेंगे कि मटन गला है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत गर्म है, अभी इसको तोड़ने के लिए हमें स्पून की जरूरत पड़ेगी, स्पून की चाकू की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमारे सर आ रहे हैं, चाकू बनने की कोशिश करेंगे, चाकू दे रहे हैं कि नहीं, इनके पास चाकू है, बड़ी बड़ी चाकू। हाथ से तोड़ो भैया, हाथ से तोड़िए ना, हाथ से तोड़ो भाई, एक बार हाथ से चाकू से तोड़ो, नहीं टूट रहा। देखिए ये देखिए का हड्डी का गोल गोल सर, टेस्ट कीजिए सर, टेस्ट कीजिए। देखिए हमारे सर जी ने टेस्ट किया, कैसा है, कैसा है उनका भाई, नहीं टूट पा रहा क्या? टूट रहा है, करना नहीं पका तो, लेकिन की तरह इसी तरह यहां से भी दबा कर मजा है। हां मसाला ही नहीं खेल लगा ना, चम्मच है ना। तो चम्मच की चानो हम उठा ले जाओ, उधर वाला मत डालो, अशरफ हम उधर वाला मत, नीचे को मत डालो। हे तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देख रहे हैं जी जैसे, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप हमारे अशरफ भाई जो हैं अभी बिरयानी की मिक्सिंग कर रहे हैं। अभी हमारा चावल पक चुका है और जो मटन भी पक चुका है और हम बना रहे हैं मटन बिरयानी, और उधर हमारा सैलड तैयार हो रहा है, रायता तैयार हो रहा है। अभी देख सकते हैं कि अशरफ भाई हमारे हैं, वो बिरयानी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिरयानी कैसे मिक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा अभी यहाँ पे ग्रेवी लेकर डाल रहे हैं अशरफ भाई। नीचे घी गुलाम भाई घी डालने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर घी अभी नहीं डाला है शायद, अभी इधर घी लेके आए, अभी डालेंगे घी। और ये देखिए अशरफ भाई कैसे डाल रहे हैं इसके अंदर, कौन पूरा साउथ का कौन অগলাই গমের দাম দেখি অটা বড় গুড়া করে দম বিরিয়ানি বানিয়ে মাছ মাপ দেই এইগুলা করছিল কিন্তু অলা প্রকার করতে দেখে। দোস্ত আবি মির্চা আবি ডাল রহে হ্যায় ইসকে আন্দার, ওই देखिए इसके अंदर हमने मिर्ची डाल दिया और अभी यहाँ पुदीने का पत्ता डाल रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या क्या डाल कर रहे हैं, अभी
फिर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने नींबू डाला, पुदीना डाला, टमाटर डाला और मिर्च डाला। और अभी इसके ऊपर चावल ग्रेवी डाला पहले, फिर ग्रेवी के ऊपर चावल डाला, फिर ये सब वेजेस डाला। अभी देखिए फिर इधर मटन डाल रहे हैं एक लेयर में, और इसके ऊपर फिर हम चावल डालेंगे। ये देख सकते हैं हमारा मटन अभी यहाँ पे है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, जो कि अली भाई के द्वारा बनाया गया है। देखिए हम चावल लेंगे थोड़ा सा, मटन के ऊपर डालेंगे एक लेयर चावल की, एक लेयर मटन की। इधर देखिए दोस्तों, देखो दही कम पड़ेगा तो लाएंगे ना, हो जाएगा दही है, हो जाएगा। देखो फूल हो गया ना, अभी ये भी फूल हो जाएगा। ये कि इसमें हो जाएगा, डाला ही नहीं सब यार। भैया वो एक है, कम डाल दिया था, नींबू कम डाल रहे हैं, खट्टा हो जाएगा। ना 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 भाई, पुदीना डाला दादा के, डाला दादा के पुदीना वहाँ पे ऊपर डाला इतना भाई, बिरयानी का हो गया ऐसे है, डाल दो नीचे चल जाए। हाँ सही बात, घी का प्रसाद हमारा ये डाल रहे हैं सर भाई हमारे बिरयानी में। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है अभी। कागज इसको ऊपर डालने के लिए। ये वाला वीडियो लिखोगा तब से, मतलब न्यू वर्जन है, पुराना है ना।